हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होम इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ और वो भी एक मॉस्किटो नेट का दे रही हूँ। और ये जो नेट है, मैश है, इसे हमने पहले बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। हम 3 साल हमने इसे यूज़ किया था और फिर उसकी जिपर ख़राब हुई थी, तो हमने दोबारा से अमेजोन से इसे मंगाया है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और फिर उसका रिव्यू दिखाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मैश है, ये स्टोरी एट होम ब्रांड का है और जो कि एलीट रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड का है। और ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इसे मैं हम ओपन करते हैं और फिर आपको मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी। तो इसे मैं हटा देती हूँ। देखिए, इस तरीके का कवर आता है। इस कवर को हमें ऊपर जिप रहेगी और इसे कवर से हम निकाल लेते हैं। और ये रहा मेरा मैश। और इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये इसके साथ कवर आया है और मैं आपको मैश दिखाती हूँ। देखिए, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मैश से बहुत अलग है। ये क्यों अलग है, उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मैश होती है या ट्रेडिशनल नेट होती है जो मॉस्किटोज के लिए लगाई जाती है, वो प्लास्टिक की होती है और ऊपर से हमें उसे चारों तरफ बांधना होता है और फिर वो बेड पे लगती है। पर इसके केस में हमें ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। इसे बस मैं ओपन करूँगी और इसे मैं फिट करूँगी और ये एकदम बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे ओपन किया जाता है और फिर मैं फिट करके दिखाऊँगी आपको। तो देखिए, ये इसमें इलास्टिक दी गई है जो कि बेड के चारों तरफ आएगी और इसे मैं ओपन कर रही हूँ। देखिए, एकदम से ओपन हो गई है। और ये रही, देखिए, इसे मैं बीच में से ओपन कर रही हूँ दो भाग में। और बहुत फ्लेक्सिबल है ये और बहुत लाइट वेट भी है। मैं आसानी से देखिए अकेले उठा पा रही हूँ इसे। और ये बीच का जो सेक्शन है, इसे मैं आगे की तरफ खोल लेती हूँ। देखिए, इस तरह से तो ये एक घर की तरह ओपन हो जाएगी। देखिए, 4 किनारे हैं, कॉर्नर है इसके, और ये ऐसे फिट हो जाएगी। इसे मैं प्लेस कर देती हूँ अपने बेड के ऊपर। 1 मिनट। देखिए, मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ उसको कैसे आपको सिक्योर करना है। यहाँ पे एक प्लास्टिक का यहाँ पे एक रबर का स्ट्रैप दिया हुआ है। इसे आपको अपना जो गद्दा होता है, जो इलास्टिक है, उसको आपको अपने गद्दे में फिट करना है। सिमिलरली चारों साइड से हमें ये करना होगा। देखिए, ये जो नेट के कॉर्नर्स हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से अपने नेट पे फिट करना होगा, अपने गद्दों में फिट करना होगा ताकि वो एकदम नीटली रहे। देखिए, ये जो मैश है, ये अच्छे से फिट हो गई है। और क्लोजली देख लेते हैं इनको। इसमें अंदर आपको एंटर करने के लिए बेड पे ये 2 डोर्स दिए गए हैं। यू शेप के डोर्स हैं ये। मैं इन्हें ओपन करके दिखाती हूँ। दोनों साइड दिए गए हैं और ये जिपर जो है, ये डबल साइडेड जिपर है, तो आप अंदर और बाहर से आसानी से इसे खोल सकते हैं। जस्ट ओपन करके, ये डोर ओपन हो गया, आप आराम से अंदर बैठ सकते हैं और अंदर घुस के आप इसे बंद कर लीजिए।
अगर आप मेरे से पूछें ये वाला जो पोर्शन है जो इसमें दिए गए ये वायर है और वायर फ्लेक्सिबल वायर है जिसकी वजह से आसानी से फोल्ड होकर छोटा सा पोर्टेबल हो जाता है, प्लस ये वायर को इन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है ताकि बच्चों को या किसी को भी चोट ना लगे, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। इस मैश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे हम इंडोर रहते हैं, आउटडोर होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, बाहर अगर हम लोग सिटिंग एरिया में भी बैठते हैं तो हम इस मैश को गद्दे में लगा लेते हैं और आसानी से जो मस्किटो से राहत मिल जाती है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें तो आप अगर बाहर कहीं आउटडोर्स जाते हैं, लॉन में जाते हैं, वहाँ पर भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने ये जो दोनों साइड यू शेप के जो दो डोर्स हैं आगे और पीछे, उन्हें क्लोज करने का एक अच्छा तरीका दिया गया है। यहाँ पे दो लूप्स दिए गए हैं और उसमें आप इसे फोल्ड करके आसानी से फंसा सकते हैं। तो आप इसे रोल कर लीजिए, रोल करने के बाद आप ये आगे की तरफ यहाँ पे एक लूप दिया गया है, इस लूप में इसे डाल दीजिए, मतलब काइंड ऑफ फंसा लीजिए। ऐसे फंसाने के बाद पीछे का जो सेक्शन है उससे आगे की तरफ लेकर आइए और ये देखिए लूप यहाँ दिया, ये एक छोटा सा उन्होंने प्लास्टिक का हुक दिया हुआ है, उसमें हम इसे ऐसे फंसा देते हैं ताकि वो आसानी से लॉक हो जाए। सिमिलरली इस साइड भी हम इसे रोल करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये जो लूप है इसे मैं यूज़ करके रखूंगी और पीछे का जो सेक्शन है जैसे मैंने पहले आपको बताया था इस पे लूप पे लेकर आऊंगी एंड आई एम गोइंग टू लॉक इट। इसे ये जो सेक्शन है, जो डोर है, ये बार बार गिरेगा नहीं और आप आसानी से अंदर बाहर हो सकते हैं। दिन के टाइम आप आसानी से इसे ओपन रख सकते हैं ताकि उलझन ना हो और रात के टाइम पे आप इसे क्लोज करके अंदर से आसानी से बंद कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, 3 साल से मैं यूज़ कर रही थी, बट मैंने दोबारा इस प्रोडक्ट को लिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। समर के टाइम पे हम लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से मॉस्किटोज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो रात को अगर आप अपने विंडोज़ ओपन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप मैश ज़रूर लगाएं। इस मैश को यूज़ करके मुझे एटलीस्ट आई एम रेस्ट श्योर कि भावित अगर सोता है तो ही इज़ प्रोटेक्टेड। मुझे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या फिर कोई भी वो लगाने का मस्किटो रेपेलेंट या कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच विल डेफिनेटली हेल्प हिम टू गेट रेड ऑफ मस्किटो। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, तो आप भी ज़रूर देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करके शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल होम इकोनॉमिक्स को। मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे, तब तक बाय बाय।